गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर और उसमें हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 7 और लेसन का नेम है व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी। ये पोएम है कि जब मैं बड़ा हूँगा तो मैं बनूँगा। इसमें एक जो मतलब नैरेटर है, जो पोएट बोल रहा है, वो अपने बारे में बताता है और इमेजिन करता है कि मैं जब बड़ा हूँगा तो क्या क्या बनूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी अ सेलर एट सी। आई विल ट्रेवल टू प्लेसेस फार अवे, दे मे बी। तो सबसे पहले वो कहता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा, समुद्र पे जो सेलर होते हैं, मतलब जो समुद्र चलाते हैं, जहाज चलाते हैं, मैं वो बनूंगा और मैं बहुत दूर दूर जगह पर क्या करूंगा, ट्रेवल करूंगा, यानी कि घूमूंगा। व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी अ शेफ इन एन इन। आई विल बेक केक्स एंड पेस्ट्रीज इन अ बिग मेटल टिन। फिर वो सोचता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं एक शेफ बन जाऊंगा, कहाँ पर, एक होटल में, और मैं क्या बनाऊंगा, केक्स एंड पेस्ट्रीज, किस में, बहुत बड़े मेटल के टिन में। व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी अ जज। आई विल डिलीवर द राइट जजमेंट एंड फ्रॉम इट आई वुड नेवर बज। फिर वो कहता है नेक्स्ट कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं एक जज बन जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, राइट डिसीजन दूंगा, मैं राइट डिसीजन दूंगा और किसी को भी बच के नहीं जाने दूंगा, मतलब जो लोग गलत करते हैं उनको नहीं बचने दूंगा। व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी अ गोल्ड स्मिथ। आई विल मेक अ गोल्ड नेकलेस फॉर अ पिंक ड्रेस टू वेयर विद। फिर वो कहता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा, एक सुनार, गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार, और मैं क्या बनाऊंगा, एक सोने का नेकलेस बनाऊंगा, और जो वो किसके साथ अच्छा लगेगा, पिंक ड्रेस के साथ पहनने में अच्छा लगेगा। व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी अ डॉक्टर। जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं सोचता हूँ कि मैं डॉक्टर भी बन जाऊंगा। आई विल ट्रीट एवरी वन विद पिल्स। और मैं सबको कैसे ट्रीट करूंगा, मतलब मैं कैसे इलाज करूंगा सबको, सबको गोलियां दूंगा, फूड एंड केयर, खाने को दूंगा और सबकी केयर करूंगा। आई विल अटेंड देम फुली वेदर रिच और पुअर। और मैं सबको देखूंगा, मतलब डॉक्टर बनने के बाद मैं सबको ट्रीट करूंगा, चाहे वो रिच हो, अमीर हो, या फिर कोई गरीब हो। एंड सेंड देम होम क्योर्ड एंड सिटिंग ऑन अ मेयर। और मैं उनको बिल्कुल ठीक करके उनके घर भेज दूंगा, और किस पर बिठा कर, मेयर पर। मेयर कौन होती है, घोड़ी, मतलब हॉर्स, फीमेल हॉर्स को बोलते हैं मेयर। व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी अ टीचर एट स्कूल। फिर वो कहता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं स्कूल में टीचर बन जाऊंगा। टीच लिटिल चिल्ड्रन टू बी नाइस एंड कूल। और मैं कितने बच्चों को पढ़ाऊंगा, मतलब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाऊंगा और उन्हें बहुत अच्छा बनाऊंगा। आई विल मेक देम गुड पर्सन। मैं उन्हें अच्छा इंसान बनाऊंगा, एज बेस्ट एज दे कैन व्हेन ग्रो इनटू अ मैन, जिससे कि वो जब बड़े बन जाएं तो वो अपना सबसे अच्छा दे सकें। व्हाट विल यू बी व्हेन यू ग्रो अप। और लास्ट में पोएट पूछता है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम क्या बनोगे। कम ऑन एंड फ्रेंकली टेल। मुझे फ्रेंकली बताओ, मतलब बिना किसी डर के बताओ कि जब आप बड़े होगे तो आप क्या बनना पसंद करोगे। बी वट एवर यू वॉन्ट टू बी। जो भी तुम बनना चाहो बनो, लेकिन बट बी ऑनेस्ट एंड डू ईच वर्क वेरी वेल। अपने काम में कैसा रहना है, ईमानदार, और जो भी काम करो वो बहुत अच्छे से करो। तो ये आपकी पोयम थी। इसमें पोएट ने बहुत सारी चीज़ें इमेजिन की हैं कि जब वो ग्रो अप यानी कि बड़ा होगा तो वो क्या क्या बन जाए, लेकिन लास्ट में वो क्या मैसेज देता है कि हम कुछ भी बने, लेकिन जो भी हम काम करें उसमें हम क्या रहें, ऑनेस्ट करें और अपने ऑनेस्ट रहें और अपने काम को अच्छे से करें। तो क्लास, ये आपकी पोयम थी। इसमें या आप अपनी बुक में से दोबारा से एक बार रीड करेंगे और इसके वर्ड मीनिंग और इसकी एक्सरसाइज, इसके राइमिंग वर्ड्स, ये अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके क्लास, गुड बाय।